खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीएम धामी ने राज्य में होने वाले 38 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही उगते हुए योजना के लाभार्थी युवा खिलाड़ियों को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति भी स्थानांतरित की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की कक्षाएं चलाने और प्रदेश के 2600 से 10% खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी सम्मानित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया गया, बाकी खिलाड़ी उससे प्रेरणा लेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो घोषणाएं हमने यहाँ पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें, उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करें, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनकी उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है, खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्न प्रारंभ किया है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है।